नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब से पाकिस्तान में इमरान पर नाकामी के गुलाल पोते जाने लगे हैं, इमरान तभी से एक दो बकरों की तलाश में जुट गए हैं जिन्हें कुर्बान करके फिर से पकड़ों की दुकान सजाई जा सके। मगर दिक्कत यह है कि गुलाम सरवर और जागीर तरीन जैसे बकरों ने गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इस लोंडे के सामने एक ही मोरा बचता है जिसका नाम है विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। इसलिए कल जब तशरीफ को 90 डिग्री पर उठाने का अभ्यास किया जा रहा था, कुरैशी ने भारत को गिदड़ भभकी देनी शुरू कर दी। इमरान की नकारा प्रवृत्ति और असफलता को एक बार फिर से भारत के भरोसे ढका जा रहा है, यानी अंडे खाए कौवे के, दौड़ लगाए शत्रुमुर्ख की। जिस देश की सेना पिछले 1.5 माह से रावलपिंडी की सड़कों पर घूमते मुल्लाओं को नहीं संभाल पाई, उस छकड़ा सेना के बल पर कुरैशी तोता खान बन रहे हैं। वैसे इस मुल्ला मुल्क में दिन में इतनी बार अल्लाह ताला और इंशाल्लाह बोला जाता है कि खुद अल्लाह भी कहता होगा कि बता पाक मुल्ला, तेरा वजीर आजम इतरान अल्लाह क्यों है। अब जरा सामय में कुरैशी को भी सुन लेते हैं, अपनी भिखारी जनता के सामने यह किस डिग्री पर उड़ने की कोशिश में है। आइए सुनते हैं पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को। कि वो उसमें शामिल हों, मेरी गुजारिश ये है कि वो इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें। हमने गुजारिश की है कि वो तावुन की तरफ जाए और वो इस किस्म की हरकतों की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा वाज़े पैगाम सुन लें, अगर हिंदुस्तान ने हमारे इस रिस्ट्रेंट को, हमारी इस वजादारी को कमज़ोरी समझा है तो उनकी गलत फहमी है। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की, पाकिस्तान की तरफ जारियत की, तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम और कश्मीरी मिलकर उनका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को कोरोना वायरस से ज़्यादा चिंता पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। उसकी यह चिंता बेफिजूल नहीं है। भारत इस बार पूरी तरह आर पार के मूड में है, जबकि पाक फौज रक्षात्मक भूमिका में सीमा के नजदीक बारूद बिछा रही है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी एक साथ दो दांव चल रहे हैं। वे कश्मीर मुद्दे को भी चर्चित करना चाहते हैं, साथ ही इमरान की नाकामी से भूखी मरती पाक आवाम का ध्यान भी हटाना चाहते हैं, मगर उसे हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ रही है। खासतौर से भारत ने जिस तरह आक्रामक रुख अख्तियार किया है, उसने पूरे पाकिस्तान को भीतर तक कपा दिया है। 3 दिन पहले इस्लामिक सहयोग संगठन में हुई बेइज्जती को पाकिस्तान जल्दी से नहीं भुला पाएगा। वैसे गधे की पूंछ तभी तक मतवाली रहती है जबकि उसकी पीठ पर 4 मन बोझा नहीं लद जाता। पिछले 3 हफ्ते से इमरान ने कोरोना वायरस पर इतनी चर्चा नहीं की जितनी पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से एलओसी का हालचाल जाना है। हंदवाड़ा की घटना के बाद से पाक की सांसें अटकी पड़ी है। उन्हें उम्मीद है कि भारत एक्शन जरूर लेगा। वह क्या कार्रवाई कर सकता है, इमरान बाजवा की उसी विषय पर माथापच्ची चल रही है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। उसने जमीन से लेकर आसमान तक पैरा बिठा दिया है, यानी अपनी तरफ से वह पूरी कोशिश कर रहा है। खास बात यह है कि इस अतिरिक्त सुरक्षा पर पाकिस्तान को रोजाना 8 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, जबकि उसकी हालत यह खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। यानी बिना स्ट्राइक किए भी भारत उसे बड़ी मार दे रहा है। पाकिस्तान ने इस्कारदू और सरगोधा एयरबेस को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा है, जबकि सीमा पर पाक रेंजर की तादाद दुगनी कर दी गई है। स्थिति यह है कि पाक की कंगाल सरकार ज्यादा दिनों तक खर्च का यह बोझ सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए गिदड़ भभकी और दुनिया के आगे गिड़गिड़ाकर वह बच निकलने की कोशिश में है। मगर उसे यह भी डर है कि कहीं उसके ढील देते ही भारत उसको ठोक कर ना चला जाए, इसलिए फिलहाल पाकिस्तान ज्यादा जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। शाह महमूद कुरैशी के बकेती सिर्फ कुछ वक्त के लिए पाक अवाम को खुश कर सकती है, मगर उससे भारत के लक्ष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत अपने टारगेट चिन्हित कर चुका है और उसी को केंद्र मानकर अपनी तैयारियों में व्यस्त है। यानी इस बार भारत ने सचमुच बहुत खौफनाक प्लान बनाया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।